हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके बीच में फिर आज उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक को लेकर। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने एक अपनी एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसका शीर्षक था हाउ टू सिंग लाइक किशोर कुमार, और एक और वीडियो बनाई थी उसका शीर्षक था हाउ टू सिंग ऑन स्टेज। तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए लोगों के, उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे। तो दोस्तों, मैं आज आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर और कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन को लेकर। मुझे लगता है आपको ये पसंद आएगा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइव कॉमन मिस्टेक्स विच पीपल डू वाइल सिंगिंग किशोरदा, कि पांच ऐसी क्या गलतियां करते हैं लोग जबकि किशोरदा को गा रहे होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं, वो आप कोई भी गाना गा रहे हों तो वो है एक तो स्केल। काफ़ी बारी देखा गया है कि लोग जो ओरिजिनल स्केल है उससे नीचे, हाफ नोट नीचे या बिल्कुल ही एक नोट नीचे गाना गाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब आप एक नोट नीचे गाना गाएंगे, हाफ नोट नीचे गाएंगे, तो वो गाने की ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखा ना है रे सोचा ना। अच्छा, ये गाना है, अगर मैं इसको गाऊंगा देखा ना है रे सोच, खराब हो गया गाना। तो दोस्तों, कोई भी गाना आप गा रहे हो, किसी का भी गा रहे हो, लता जी, किशोरदा या मन्ना डे जी या मोहम्मद रफ़ी जी का, इस गलती को मत कीजिएगा कभी भी। जो स्केल है उसी पे गाइए। अच्छा, दूसरी एक और प्रॉब्लम आती है जो पॉइंट नंबर टू है, वो है नेज़ल। काफ़ी लोग जब किशोरदा को गाते हैं तो वो क्या करते हैं कि नेज़ल का कुछ ज़्यादा ही उपयोग कर देते हैं। उनको लगता है बस किशोरदा को गा रहे हैं तो थोड़ा ओरिजिनल साउंड करने के लिए नेज़ल का बहुत इस्तेमाल करते हैं और गाने को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। अब आप मेरे को बताइए, मेरे नसी ऐसे गाते हैं। अरे, जब किशोरदा ऐसे थोड़ा गाते थे, किशोरदा तो गले से गाते थे। और कभी भी आप किशोरदा को अगर अच्छे से गाना चाहते हैं तो नेज़ल का बेजा इस्तेमाल ना करें। कभी कभी वो उन दिनों एक ट्रेंड चला था जब किशोरदा, इवन मुकेश जी ने KL सहगल जी को फॉलो किया था। बट डोंट गो ओवरबोर्ड विद दिस नेज़ल। नेज़ल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, गाना ख़राब हो जाता है। अच्छा, तीसरा एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ दोस्तों, वो है मदर टंग इन्फ्लुएंस के बारे में। काफ़ी बार देखा गया है कि जो लोग, जैसे कोई असामी है, कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है, कोई साउथ इंडियन है, कोई मराठी है, तो उनका मदर टंग इन्फ्लुएंस बहुत हावी हो जाता है उनके गाने पे। जब वो गा रहे हैं तो पूरा का पूरा वो बिल्कुल वो टच आ जाता है। कोई बंगाली गा रहा है तो बंगाली का टच आ जाएगा, साउथ इंडियन गा रहा है तो साउथ इंडियन टच आ जाता है गाने में। तो दोस्तों, जहाँ तक हो सके, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जब भी आप गा रहे हैं किशोरदा को तो अपनी वॉइस को न्यूट्रल रखें। जो भी आपके प्रोनाउंसिएशन है वो अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है तो उसको ठीक कीजिए। तो नेवर लेट योर मदर टंग इन्फ्लुएंस गेट ऑन टू योर सिंगिंग। तो इस किशोरदा थे, किशोरदा तो बंगाली थे मगर ही वॉज स्टेइंग इन मध्य प्रदेश, खंडवा, तो उनको बहुत एडवांटेज था कि उनको वो बंगाली जो मदर टंग इन्फ्लुएंस था वो ज़्यादा नहीं था। हालांकि कुछ गाने उन्होंने रविंद्र संगीत में गाए हैं और इवन बंगाली सॉन्ग्स काफ़ी गाए हैं किशोरदा ने। एनीवेज, तो जो आपका मदर टंग इन्फ्लुएंस है दोस्तों, उसको आपने ज़रूर कम करना है, जहाँ तक हो सके ज़ीरो उसको बना के रखिए। अच्छा, एक और चौथा जो पॉइंट है वो है मूड ऑफ द सॉन्ग। देखो दोस्तों, जब भी हम गाना गाते हैं हर गाने की एक सोल होती है, एक मूड होता है, आप उससे भटक नहीं सकते। तो मैंने कई लोगों को देखा है जब वो इवन सैड गाना गा रहे होते हैं, हंस हंस के गाना गा रहे होते हैं स्टेज पे। एक गाना था मुझे याद आ रहा है, फिर वही रात है, तो फिर वही रात है भाई, एक इतना सॉफ्ट गाना है किशोरदा का, फिर वही रात है, और आप ऐसे गाना गा रहे हैं उसको। तो एक बार कि एक पत्रकार ने पूछा किशोरदा से, किशोरदा आपको हार्ट अटैक हो गया एक दो बार, तो किशोरदा ने यही कहा था कि मैं दिल से गाता हूँ। तो दोस्तों, आप दिल से गाएं तो दिल दिल से जब गाएंगे तो जो भी गाना है उसके सोल पे उतरिए, तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जानते हैं कि जब किशोरदा वो गाना गा रहे थे खई के पान बनारस वाला, कहते हैं कि इतने सारे, इतने एक प्लेट में इतने सारे पान रखे थे किशोरदा, वो पान खा खा के पूरा मुंह भरा हुआ था, उसके बाद ये गाना गाया था। ये गाना है डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। कहते हैं किशोरदा ने साइकिल मंगवाई थी और उस पर बैठ के उन्होंने पूरा का पूरा गाना गाया था। तो ये गाना है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप।
तो कहते हैं जब गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कह रहे थे किशोरदा वो टच नहीं आ रहा जो हमें चाहिए, तो किशोरदा भी परेशान हो गए, उन्होंने ऐसे करके गाना गाया रिहर्सल में, ये जीवन है इस जीवन का, तो हाँ बिल्कुल। और किशोरदा ने पूरा का पूरा गाना रिकॉर्डिंग में ऐसे ही गाया। जब भी आप कोई गाना गा रहे हैं तो आपको गाने की सोल पे उतरना पड़ेगा, तो मूड ऑफ द सॉन्ग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट प्ले विद दैट। अच्छा, और एक और मैं आपसे पॉइंट मैंने पहले भी कहा था वो है प्रोनाउंसिएशन, कि जब भी आप गा रहे हैं खास तौर से किशोरदा को तो प्रोनाउंसिएशन शुड बी परफेक्ट लाइक किशोरदा यूज्ड टू सिंग। कई लोग गाना गाते हैं जैसे गुम है किसी के प्यार, गुम है किसी के प्यार में, देख रहे हैं आप डिफरेंस। अच्छा, मेरे महबूब कयामत होगी। देखिए दोस्तों, एक और आपको मैं, चेहरा है या चांद खिला है, ये गलती नहीं करनी दोस्तों। जब भी आप गा रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन शुड बी परफेक्ट, और अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है तो किशोरदा के गाने सुनिए, किशोरदा की मूवीज़ देखिए एक दो, आपको समझ आ जाएगा कि किशोरदा कैसे प्रोनाउंस करते थे। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया 5 कॉमन मिस्टेक्स विच पीपल डू वाइल सिंगिंग किशोरदा, और आप इनको ईजिली अवॉइड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा ये मेरा वीडियो। अच्छा दोस्तों, एक और बात है, मैं अब कुछ सीरीज़ बना रहा हूँ ऑन स्पेसिफिक सॉन्ग्स ऑफ किशोरदा, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, और मैं उस सीरीज़ में कुछ गाने लूँगा टिपिकल जो किशोरदा के हैं, और उनको आपके साथ गाऊँगा, तो मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। और भी आपको कोई कमेंट्स हैं, कुछ भी है, मुझे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, एंड इट विल बी अ वेरी नाइस जर्नी टुगेदर। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय किशोरदा।